नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें श्रीमद् भगवद् गीता के सभी 700 श्लोकों का अर्थ और उनसे होने वाले सकारात्मक प्रभाव का ज्ञान आपको मिलेगा, जो इस संसार में हर एक पीढ़ी के प्रत्येक व्यक्ति के समस्याओं का एक संपूर्ण समाधान है। जब महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन युद्ध करने से घबरा जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शास्त्र का गायन किया वह है श्रीमद् भगवद् गीता। गीता के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जो शास्त्र में बार बार आते हैं, तो इसे शुरू करने से पहले उन प्रतीकात्मक शब्दों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है ताकि भगवद गीता का असली ज्ञान आसानी से समझ में आ जाए। जैसे जब हम संसार की तरफ आकर्षित होते हैं तो हमारा शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब हम परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, तो हमारा शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। कुरु का मतलब है करो, और मनुष्य के जीवन में इसी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच जीवन पर्यंत संघर्ष होता रहता है। हमारे ही शरीर के अंदर मौजूद अंतकरण में दो प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। आसुरी संपदा के राजा हैं धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता के प्रतीक हैं। वह अज्ञानता जिसे पता है कि वास्तविक सत्य तो परमात्मा है, परमात्मा के रास्ते पर चलना ही सच्चा धर्म है, फिर भी अपने मोह यानी दुर्योधन, जो मोह का प्रतीक है, इस पुत्र मोह में आकर अपनी आंखें बंद करके अपने मोह रूपी दुर्योधन के सभी गलत कर्मों को कभी नहीं रोक पाए। धृतराष्ट्र संयम रूपी संजय के माध्यम से कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन सुनते हैं और संयम रूपी संजय उन्हें सही गलत का ज्ञान देते हैं। वहीं दूसरी ओर दैवी संपदा है, वह है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पांडु रूपी पुण्य के जागृत होने से पहले, पुण्य के मिलने से पहले, जो कुछ भी कर्तव्य रूपी कुंती ने अर्जित किया वह था कर्ण। वह कर्ण जो बंधनकारी रूढ़ियों का प्रतीक है, यानी वह रूढ़िवादी सोच जिसका हमारे दिमाग में बचपन से चित्रण होता है, और जिस दिन रूढ़िवादी विचारों के बाद पुण्य जागृत होता है उसी दिन दैवीय संपदा जागृत हो जाती है, और फिर हमारे मन मस्तिष्क में युधिष्ठिर रूपी धर्म और अर्जुन रूपी अनुराग आ जाता है। अनुराग यानी भगवान को पाने की भक्ति आ जाती है, तो भाव रूपी भीम हमारे अंतकरण में आ जाते हैं, नियम रूपी नकुल आ जाते हैं, सत्संग रूपी सहदेव आ जाते हैं, और तब जाकर के हम भगवद गीता के ज्ञान को समझ करके उसका अनुकरण कर पाते हैं, तो हमारे सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो चलिए कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण का नाम लिख करके इस पवित्र ज्ञान के सफर को शुरू करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले कि आगे प्रथम श्लोक पर जाएं, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद् गीता पहला अध्याय पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। यानी कि धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा मेरे और पांडु के पुत्र अभी क्या कर रहे हैं? ऐसा सवाल धृतराष्ट्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अंधे थे, लेकिन वह मन मस्तिष्क से अंधे नहीं थे। यह जानते हुए कि उनके पुत्र धर्म के पक्ष में नहीं है, फिर भी उन्होंने पुत्र मोह में शांति की जगह युद्ध को ही चुना और अधर्म के साथ रहे। उन्हें यह भी पता था कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे वही धर्म का मार्ग होगा।
वह यह भी जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जब हम अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं तो हम भी जानते हैं कि हमारे किए का नतीजा अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल यही हाल धृतराष्ट्र का भी था, जिन्हें युद्ध के परिणामों का भय सता रहा था। श्रीमद् भगवद् गीता का दूसरा श्लोक। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवाणीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अर्थात उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। संजय ने कहा कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे गुरु द्रोणाचार्य को जाकर सब बता देंगे। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, क्योंकि वे युद्ध से दूर रहकर भी युद्ध देख सकते थे और जो वो देख रहे थे उसी को बता रहे थे। वह अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं कह रहे थे, बस युद्ध का हाल बता रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं। यह संजय की दैविक दृष्टि का ही कमाल था। तीसरा श्लोक। पश्चयता पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपके मेधावी शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई सेना को देखिए। आपका सबसे बड़ा बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र है, उसी ने पांडु पुत्रों की इस बहुत बड़ी सेना के व्यूह का रचना की है। मित्रों, आपको बता दें कि व्यूह का रचना का अर्थ होता है कि सेना के सैनिक एक विशेष तरीके से खड़े होते हैं, जिसके अंदर जा पाना आसान नहीं हो सकता, और अगर कोई इसमें कैसे भी करके चला भी जाए तो बाहर नहीं निकल पाएगा, और यही डर दुर्योधन को भी सता रहा था। मित्रों, चौथे, पांचवें और छठे श्लोक का भावार्थ ही एक साथ संपूर्ण पूरक अर्थ बनाता है। चौथा श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पांचवां श्लोक। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। छठा श्लोक। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। मित्रों, इन तीन श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों की सेना के वीर योद्धाओं का नाम लिया है। दुर्योधन अपने सामने खड़ी सेना के योद्धाओं के बारे में द्रोणाचार्य से कहता है कि वे बड़े बड़े धनुष वाले हैं। युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्य की महारथी राजा द्रुपद हैं, कृष्ण केतु हैं, बलवान काशीराज हैं, पुरोजित हैं, कुंती भोज हैं, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, शैव्य हैं, योद्धा मन्यु है, पराक्रम में उत्तम पूजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी उपस्थित हैं। इस प्रकार शत्रु के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, चाहे वह शत्रु हो या शत्रु की कोई समस्या हो। मित्रों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्या के हर पहलू को समझना चाहिए, समस्या के प्रत्येक हिस्से के बारे में जानकारी होना चाहिए। जिस तरह दुर्योधन अपने सामने खड़ी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। सातवां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थात दुर्योधन ने आगे कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपने पांडवों की सेना के योद्धाओं और उनके प्रमुखों के बारे में तो जान लिया, अब अपने पक्ष के प्रमुखों को भी समझ लीजिए। इस प्रकार शत्रु के सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुखों के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को जानकारी देता है, यानी समस्या के बारे में सब कुछ जानने के बाद अपने पक्ष में विचार करने का समय आता है। दोस्तों, आपके पास क्या क्या मजबूत कड़ी है ये जानना बहुत आवश्यक है, ताकि आप उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकें। आठवां श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात हे द्रोणाचार्य,
सबसे पहले आप पितामह, भीष्म, कर्ण और संग्राम, विजय, कृपाचार्य, साथ ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानिए। मित्रों, आज हम जोखिम लेने की जिस तरह से तैयारियां करते हैं, ठीक उसी तरह दुर्योधन भी दोनों सेनाओं के योद्धाओं से बात करते हुए युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हर चुनौती को समझकर और जांच परख कर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमें चुनौती से इतना परिचित होना चाहिए कि वह हमारे सामने कुछ अलग ना लगे, क्योंकि यदि कोई नया और आकस्मिक स्थिति आती है तो वह आपको हरा सकती है, चाहे वह युद्ध हो या चुनौती। 9वां श्लोक। अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात दुर्योधन गर्व से कहता है, मेरे लिए अपने जीवन त्यागने वाले मेरे पास बहुत से शूरवीर हैं जो सभी लड़ाइयों में माहिर हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण हैं। इस प्रकार से दुर्योधन खुश हो रहा है। इससे हमें यह सीख मिलती है, जब आप जीवन में परेशान होते हैं तो आपके साथ कौन होता है? उस वक्त आपके साथ होता है केवल आपका कौशल, आपके हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके सच्चे मित्र, जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। अर्थात दुर्योधन आगे कहता है कि हमारे विरोधी पक्ष में भीम के नेतृत्व वाली सेना है जिसकी ताकत काफी कम है, क्योंकि भीष्म पितामह उसके विरुद्ध हैं और भीष्म पितामह हम कौरवों के पक्ष में हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वह आसानी से जीत सकते हैं, जबकि मित्रों, दुर्योधन यहां घमंड कर रहा है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असल में दुर्योधन को इतना ज्यादा घमंड हो गया था कि उसे लग रहा था कि वह जीत जाएगा, और यही घमंड उसकी हार का कारण बनी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि विश्वास या आत्मविश्वास से चुनौती या समस्या को जीता जा सकता है, लेकिन मन में यदि घमंड हो गया तो यही आपके हार का संकेत है। 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षण तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थात दुर्योधन द्वारा दोनों सेनाओं के वर्णन से पता चलता है कि भीष्म पितामह की रक्षा हर किसी को अपनी जगह पर खड़े रहते हुए करनी चाहिए, और इसी आदेश को दुर्योधन ने दिया था। इसका अर्थ है कि आप उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप युद्ध में हैं, जैसे भीष्म पितामह दुर्योधन और उसकी सेना के लिए हैं। भीष्म पितामह की मृत्यु का अर्थ था युद्ध हार जाना। यदि वे जीवित रहते हैं, इसका अर्थ है कौरव हार नहीं सकते। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी संकट के वक्त अपने अमूल्य चीजों को तब तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक कि उस संकट पर विजय प्राप्त ना कर ले। 12वां श्लोक। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चये शंख दधमो प्रतापवान। कौरवों में सबसे वृद्ध है, सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ की तरह ऐसा शंख बजाया, ऐसा युद्ध की उद्घोषणा की कि दुर्योधन हृदय से खुश हो गया। पितामह भीष्म ऐसा करके युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं और अपने योद्धाओं में युद्ध जीतने का दिलासा दे रहे थे, जो उचित था। और इससे सीख कर हमें भी अपने संकट के समय खुद को भी विजयी होने का दिलासा देना चाहिए। 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यंत स शब्दस्तु मुलो भवत। उसके बाद शंख भेरी यानी नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। वैसे तो युद्ध घातक होते हैं। महाभारत का युद्ध इतिहास में आज तक का सबसे भयंकर युद्ध था,
जिसका आरंभ भीष्म पितामह के शंखनाद, फिर नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे के एक साथ बजाने से ही शुरू हो गया था। लेकिन वो पल संगीत में ना होकर के काफी भयंकर और डरावना प्रतीत हो रहा था। युद्ध कोई मनोरंजन का साधन तो है नहीं, बल्कि युद्ध के लिए अगर निर्णय ले लिया गया तो उसके हार और जीत को स्वीकारना ही होता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन में भी चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से बिना घबराए उससे निपटने के लिए रणनीतियां बनानी होती है। 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतु। अब पांडुपुत्रों की तरफ से युद्ध के लिए शंखनाद होना था। युद्ध की तैयारी के दौरान सफेद घोड़ों पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। हर पक्ष अपनी सेना पर विजय की आशा करता है। इससे यह सीखने को मिलता है कि जिस तरह से प्रचंड रूप से शंख बजाना अपने सैनिकों में जोश भर देता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में भी वे सभी सकारात्मक कर्म करने चाहिए जो हमें आत्मबल और मनोबल देते हों। 15वां श्लोक। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्य श्री कृष्ण के शंख का नाम है, देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम है और पंड भीमसेन के महाशंख का नाम है। सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने चुनौतियों से लड़ने के लिए शंख रूपी प्रेरणा स्रोत चुन करके युद्ध या चुनौतियों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कुछ के लिए ये प्रेरणा स्रोत संगीत हो सकते हैं, किसी के लिए भगवान को याद करना और किसी के लिए माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना। 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। यानी अनंत विजय नाम का शंख पांडवों में सबसे श्रेष्ठ भाई युधिष्ठिर, सुघोष नाम का शंख नकुल और मणिपुष्पक नाम के शंख सहदेव ने बजाया। मित्रों, प्रेरणा स्रोत तो सबको चाहिए, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास करते हैं। 17वां श्लोक। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित। 18वां श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और लंबी लंबी भुजाओं वाली सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। मित्रों, इस महाभारत के युद्ध में सभी बड़े योद्धाओं ने युद्ध में भाग लिया। ऐसे दुर्लभ अवसर को कोई कैसे भूल सकता था। हमारे लिए सीखने की बात यह है कि जो कोई युद्ध के लिए तैयार होता है और उसके लिए तत्पर होता है, वही सच्चा योद्धा होता है। यह युद्ध या तो हमारा जीवन हो सकता है या हमारी चुनौती। इसलिए चुनौतियों के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयाणि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन। संजय कहते हैं कि पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए दुर्योधन और उनके पक्ष के सेनाओं के हृदय विदीर्ण यानी घायल कर दिए। हुंकार भरने से बड़े बड़े शत्रु भी डर जाते हैं। यह हुंकार ऐसा होना चाहिए कि शत्रु भी जाने कि वे किससे लड़ रहे हैं। इसे हम यह सीख सकते हैं कि आप चाहे साक्षात्कार देने जा रहे हो या जहां आपकी पर्सनालिटी की बात हो, आपके कौशल ऐसे होने चाहिए कि दूसरे लोग आपके कौशल से प्रभावित हो जाएं। 20वीं श्लोक। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राण कपिध्वज प्रवृत्त्य शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। 21वां श्लोक। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते
सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युत, यानी धृतराष्ट्र से संबंधित सेना डटे हुए थे। अर्जुन उन्हें देखता है, फिर आर्षिकेश अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अच्युत का अर्थ है अटल, निरंतर, जो नष्ट नहीं हो सकता, और इसलिए श्री कृष्ण को अच्युत नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच पर जाने को कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना क्योंकि वह जानता था कि भगवान साक्षात उनके साथ हैं, धर्म उसके साथ है, और वह कभी हार नहीं सकता जिसके पक्ष में धर्म होता है। 22वां श्लोक। यावदेता निरीक्षे हम योद्ध कामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन रण समुद्यमे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैं इस युद्ध में किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए योग्य हूं? जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए शत्रुओं को पूरी तरह से देख ना लूं, तब तक इस रथ को यहीं मध्य में खड़े रखिए। दोस्तों, आज के जीवन में यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। किसी भी प्रकार के युद्ध रूपी व्यवसाय हो या कोई समस्या हो, लेकिन आप दोनों पक्षों में बीच में जाकर उस समस्या की वास्तविक स्थिति जान सकते हैं। इसीलिए हमें भी अपने समस्या के मध्य में खड़े होने चाहिए और निर्णय लेने से पहले उसे ठीक से देखना और परखना चाहिए। 23वां श्लोक। योत्स्यमानानवेक्षे हम य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकीर्षवः। यह युद्ध दुर्योधन की जिद्द के कारण हुआ था, इसलिए अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि यानी कि मूर्ख कहता है। महाभारत के युद्ध में कौन कौन से राजा दुर्योधन का साथ देने आए हैं, उन्हें अर्जुन देखना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो। शत्रु शायद गलत तरीके से आपसे युद्ध में जीतना चाहता हो। इसलिए अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले जाने के लिए आग्रह करता है। इस प्रकार युद्ध की शुरुआत तभी करनी चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से जांच परख चुके हों। 24वां श्लोक। संजय उवाच एव मुक्तो हृषि केशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यायतान संवेतान कुरुणिति। संजय धृतराष्ट्र से बोले, हे भरतवंशी राजन, अर्जुन के द्वारा इस तरह आग्रह करने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़े करके इस तरह से कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशी को देखो। पार्थ नाम से अर्जुन को श्री कृष्ण संबोधन कहते हैं। वह पार्थ जो अब कुछ समय बाद शंकाओं में घिरने वाला होता है, उसी तरह हम भी पार्थ हो सकते हैं। और अर्जुन की भांति जब हम अपने आप को शंकाओं या संकट से घिरा पाते हैं और सच्चे मन से श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, तो मदद करने के लिए श्री कृष्ण अवश्य ही आते हैं। 26वां श्लोक। तथापश्यत स्थितान पार्थ पितृणथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत राण सखींस तथा प्रथा नंदन, यानी प्रथा का पुत्र। यहां प्रथा कुंती का ही एक नाम था। इस तरह से कुंती पुत्र हुए अर्जुन। अर्जुन उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रकों को तथा मित्रों को, ससुरों को और ऋतुओं को भी देखा, यानी सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पोतों को देख रहे हैं। इसलिए महाभारत के इस धर्म युद्ध में समस्त परिवार के सदस्यों के बीच एक बड़ा संकट होता है। समस्त परिवार के सदस्यों के बीच समझौता होना होता है कि वे किसके साथ हों। क्या वे अर्जुन के साथ हैं या कौरव के साथ हैं? 27वां श्लोक। श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तांसमीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान्। पांडव पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ पूरे जीवन अर्जुन ने अपने मित्रों को सूर्यदेव को देखा और सोचा,
सभी सगे संबंधी एक ही तो हैं, पर ये सभी दो पक्ष में बंटे हुए हैं। अर्जुन हर किसी से लड़ाई तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वे युद्ध में शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना था। 28वां श्लोक। कृपया पर्याविष्टो विशीदन्निदमब्रवीत। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन के सामने उसके करीबी ही खड़े थे। अर्जुन के विरोधी पक्ष में उनके चचेरे भाई, पितामह भीष्म आदि सभी अपने लोग ही उसके सामने थे, जिसके प्राण अर्जुन को लेने थे। इसलिए अर्जुन अज्ञानता में करुणापूर्ण होकर श्री कृष्ण से अपने मन की दुविधा को बताता है, और यहीं से अर्जुन के विषाद यानी कि उसके मानसिक दुविधा की शुरुआत होती है, जिसे अर्जुन विषाद कहा जाता है, और इसलिए संपूर्ण गीता की रचना की गई। वह गीता जिसमें श्री कृष्ण के मार्गदर्शन द्वारा अर्जुन के मानसिक दुविधाओं का अंत होता है, और जो हर पीढ़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 29वां श्लोक। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हमारे लिए युद्ध की बातें करना तो आसान लग सकता है, लेकिन युद्ध को करना आसान नहीं होता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने तो अपने थे, इसलिए अर्जुन के लिए यह युद्ध और भी मुश्किल लग रहा था। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं अपनों को देखकर टूट रहा हूं। जैसे मेरे अंगों में बल हो ही ना और चेहरा सूख रहा है तथा मेरा शरीर कांप रहा है। मित्रों, बिल्कुल वैसे ही जब हमारे जीवन में युद्ध रूपी परीक्षा की घड़ी आती है तो हम भी घबरा जाते हैं, और उस वक्त हमें भगवद गीता के श्री कृष्ण के मार्गदर्शन बहुत काम आते हैं। 30वां श्लोक। गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम व्यवस्थातुम ब्रह्मतीव च मे मनः। इसमें अर्जुन अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन का गांडीव धनुष गिर रहा है, उनकी त्वचा जल रही है और मन अत्यंत विचलित हो रहा है, इसलिए उन्हें महसूस हो रहा है कि वह खड़े नहीं हो सकते। अर्जुन का दुख और हमारी दुविधाएं एक तरह से सेम हैं, क्योंकि जब हम स्वयं को समस्याओं से घिरा पाते हैं या हमें किसी चुनौती का सामना करना होता है, चाहे वह कोई परीक्षा हो, व्यापार हो आदि, हम अपने आप को अर्जुन की तरह ही महसूस करते हैं। 31वां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन जो संसार का सबसे बड़ा योद्धा था, वह युद्ध से पहले हताश था और उसका मुंह सूखा जा रहा था, और उसे लग रहा था कि वह हार जाएगा, संपूर्ण सृष्टि अब खत्म हो जाएगी, आंखों के आगे अंधकार सा लग रहा था। ऐसी स्थिति भी हमारे जीवन में भी किसी समस्या या चुनौती के वक्त आती है, और उस वक्त एक मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस होती है कि कोई तो बस बेड़ा पार करा दे। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल करता है कि हे माधव, इस युद्ध में अपनों को मारकर मुझे क्या मिल जाएगा। 32वां श्लोक। न काले विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाणि च किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं ना तो जीत की इच्छा रखता हूं और ना ही राज्य की आवश्यकता है मुझे, और ना ही मुझे सुख की तलाश है। हमारे लिए ऐसे राज्य का क्या उद्देश्य है, और इस तरह के भोगों और जीवन से क्या लाभ हो सकता है। इस विचार में अर्जुन बहुत डर और घबराहट में है, और वे तैयार हैं सब कुछ त्याग देने के लिए, क्योंकि उन्हें धन संबंधी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। वे इतने भयभीत और घबराए हुए हैं कि वे केवल इस युद्ध से बचने की इच्छा रखते हैं, और वे चाहते हैं कि इस दुनिया के हर खुशी को छोड़कर सिर्फ इस समय इस युद्ध से कैसे भी करके बच सकें। हमें इन लक्षणों को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भी उनकी तरह कृष्ण के उपदेशों का पालन कर सकें। 33वां श्लोक। ये शामर्थे काक्षितम नौराज्यम भोगाह सुखाणि च इमेवस्थिता युद्ध प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन के मन में यह दुविधा होती है कि हम वे लोग हैं जो अपनों के लिए राज्य, भोग, सुख और अन्य ऐसी इच्छाएं रखते हैं,
और आज हम इन सभी धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हमारा सारा काम, सभी लाभ, सभी सुख शांति और भागदौड़ सिर्फ और सिर्फ हमारे अपनों के लिए ही तो होता है, और यहां इस रणभूमि में हमें अपनों को ही मारना पड़ेगा, और वही दूसरी ओर हमारे अपने ही मुझे मारने के लिए खड़े हैं। इससे बड़ी क्या दुविधा हो सकती है? इस दुनिया का क्या महत्व ही रह जाता है? इस तरह से बोलकर अर्जुन अपने मन की बात श्री कृष्ण से बताते हैं। 34वां श्लोक। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। 35वां श्लोक। एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, अगर यह मुझ पर प्रहार भी करते हैं फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहूंगा, फिर जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए इन्हें क्या ही मारूं। 36वां श्लोक। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्याद जनार्दन, पाप में वाश्रेद अस्मान हत्वैता नातताइनः। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। आतताई का अर्थ होता है आग लगाने वाला या विष देने वाला या जमीन छीन लेने वाला या धन हरने वाला। आगे अर्जुन कहते हैं, शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे ही लोग क्यों ना हो, लेकिन हैं तो अपने ही। अपनों को मारकर, अपनों को दुख देकर केवल पाप ही तो मिलेगा। मित्रों, इस युद्ध का कारण कौरवों का लालच ही था, जिसके कारण भाई भाई एक दूसरे से लड़ने को खड़े थे। लालच हमेशा बुरे परिणामों को जन्म देती है, और इसीलिए अंततः कौरवों की हार हुई। इसलिए लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। 37वां श्लोक। तस्मान नारहा वयम हन्तुम धार्त राष्ट्रान स्वबांधवान, स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, हम अपने ही भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम अपने ही परिवार को मारकर कैसे खुश होंगे? महाभारत का नाम धर्म युद्ध इसलिए तो पड़ा क्योंकि यहां अपनों के बीच में युद्ध हुआ। मित्रों, जब आप लालच के कारण किसी विवाद में फंसते हैं तो अर्जुन की तरह उस स्थिति को ठंडे मन से विचार करके देखें, और देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष करने के बाद भी किसने क्या पाया। 38वां श्लोक। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे चपातकम्। 39वां श्लोक। कथम न झेयमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम्, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन ने इन दो श्लोकों में अपने मन की दुविधा को बताया है। अर्जुन कहता है कि हे माधव, आपका शत्रु किसी भी बुराई को किसी भी हद तक करने को तैयार है। ये लोभ से भ्रष्ट हुए दुर्योधन आदि अगर हमें मारकर अपने कुल को समाप्त करता है, या अपने मित्रों से जो द्वेष करता है, तो इससे होने वाले पाप से वह अज्ञान है। लेकिन इस दोष और पाप को जानने वाले हम लोगों को क्या इस युद्ध को त्यागना नहीं चाहिए? अर्जुन के शब्दों में हमें एक गहरी दुविधा दिखाई देती है। वे यह सोच रहे हैं कि क्या एक युद्ध में अपने दुश्मनों को मारकर उन्हें पाप से बचाया जा सकता है, जबकि वे खुद को और अपने परिवार को दुख पहुंचा रहे हैं। यह शिकायत एक आम व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है, जो जीवन में अकेले रहकर गलत कार्यों से बचने का प्रयास करता है। यह उनकी उदासीनता और सवालों की स्थिति को दर्शाता है, जब वे अपने कर्मों के साथ सामर्थ्य का सामना करते हैं। यह चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हमें यह सिखाती है कि कई बार हमें सही और गलत के बीच चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और हमें अपने नैतिक मूल्यों के साथ सही राह पर चलना चाहिए। यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में गहरे विचार की आवश्यकता को दर्शाता है कि हमें
सही और गलत के बीच सही चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 40वां श्लोक। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल का नाश होने का अर्थ है सब कुछ खत्म हो जाना। अर्जुन का संदेश यह है कि परिवार समाज की मूल इकाई होती है। यदि परिवार का नाश होता है, कुल का नाश होता है, तो इसके साथ ही धर्म, आदर्श और गुणों का भी नाश हो जाता है। इससे समाज में पाप और असहमति बढ़ जाती है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमारा परिवार हमारे मूलभूत कर्म होता है और हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। यदि हमारा परिवार खत्म हो जाता है तो समाज में सामाजिक संरचना और धर्म के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी हमें याद दिलाता है कि हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि हमारे परिवार और समाज में समृद्धि और संतुलन बना रह सके। 41वां श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। जहां समाज की प्रगति और समृद्धि में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परिवार और समाज के विकास में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और घर की बनावट से लेकर समाज के निर्माण तक स्त्रियों का सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन कह रहे हैं कि अगर समाज में स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, करप्ट हो जाती है, तो उसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये समझना चाहिए कि स्त्री शक्ति समाज की आत्मा होती है और उनके सहयोग के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। समाज में स्त्रियों का समर्थन और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए समय समय पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए ताकि वर्ण संकर और सामाजिक संकटों से बचा जा सके। 42वां श्लोक। संकरो नरकायैव कुलजानां कुलस्य च, पतंति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडो दकक्रिया। वर्ण संकर का अर्थ यहां है जहां जातीय या सामाजिक मूल्यों का सम्मान नहीं किया जाता है, और जब गलत वर्णों के मिलने से संतान का जन्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए समाज के नियम हजारों सालों के निष्कर्ष के बाद बड़े सोच विचार कर और समझ कर बनाए गए हैं। मित्रों, और ऐसे नियमों और विचारों को बिना कुछ सोचे समझे तोड़ना नहीं चाहिए जो हजारों साल से चले आ रहे हैं। अर्जुन यही कहते हैं, हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है और बिना श्राद्ध और तर्पण हुए उनके पितरों का भी पतन हो जाता है। 43वां श्लोक। दोषैरेतः कुलजानां वर्ण संकर कारकः, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्जुन यहां वर्ण संकर के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वर्ण संकर से कोई धर्म और जाति धर्म का नाश होता है जिसका समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति अपने धर्म के नियमों और कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो समाज में असमानता और अव्यवस्था होती है। अर्जुन यह कह रहे हैं कि समाज का सहयोग और समाज में संरचना बनाए रखने के लिए समाज के नियमों और मानवीय मूल्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। समाज को नियमों, कानूनों और सजीव संरचनाओं की आवश्यकता होती है ताकि वह एक साथ सद्गुण से और समानता के साथ रह सके। 44वां श्लोक। उत्सन्न कुल धारमाणाम मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, उन लोगों का जिनका पूरा धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे लोग हमेशा के लिए नरक में रहते हैं। महाभारत काल में भी कहा जाता था कि अगर किसी का कुल खत्म हो जाता था तो वह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना और उसका नाम करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग धर्म का सम्मान नहीं करते तो ऐसे लोग सीधे नरक में जाते हैं। आज के कलयुग में भी यही होता है। 45वां श्लोक। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम,
यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। अर्जुन अपने स्वजनों के खिलाफ युद्ध करने के परिणामों को समझते हैं और इसका प्रभाव उनकी बुद्धि पर पड़ता है। अर्जुन यहां स्वयं को दोषी मानते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि वे हालांकि बुद्धिमान होने के बावजूद महान पाप करने को तैयार हो गए हैं जो स्वजनों को मारने के लिए है। अर्जुन का मानना है कि बुद्धिहीन का पाप माफ हो सकता है परंतु बुद्धिमान से अधिक उम्मीदें होती हैं और यदि वह पाप करता है तो क्या उसकी माफी संभव है। 46वां श्लोक। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। अर्जुन कहते हैं मन में उनके बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका है, जिसके गोद में आपका बचपन बीता है, चाहे वह आपसे बड़ा हो छोटा हो, क्या आप उसे मार सकते हैं? उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि वह आपको ही मार डाले। अर्जुन ने यही कहा है, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लिए हुए मुझे रणभूमि में मार डाले तो मेरे लिए उनके हाथों से शस्त्रहीन मरना ज्यादा सही होगा, लेकिन मैं उनको नहीं मार सकता। 47वां श्लोक। संजय उवाच। एव मुक्त्वार्जुनः संखये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्नमानसः। यहां संजय कहते हैं हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में दुख से घबराए हुए अर्जुन अपने बाण और धनुष को त्याग करके रथ के पीछे जाकर बैठ गए हैं और उनके चेहरे पर परेशानी और दुख साफ साफ झलक रही है। मित्रों, अगर आपने अभी तक कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारे ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि अगला अध्याय आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।